बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एट क्लास, दिस इज़ योर ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस। एज यू ऑल नो दैट वी हैव कम्प्लीटेड आवर लेसन नंबर वन अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज ऑफ दैट लेसन। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव कम्प्लीट आवर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर वन, दैट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमने अपने पिछले लेक्चर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में लिख लिया था, हम लिख चुके हैं। एज यू ऑल नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में भी और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में भी, ये दो क्वेश्चन जो हैं ये मैंने आपको दिए थे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस याद भी हो गए होंगे और आपने इनको लिख भी लिया होगा बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द मेन पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन मैन। मैन में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो मेन पार्ट्स हैं उनको हमने डिस्क्राइब करना है। लेट मी गोइंग टू स्टार्ट दिस। द सिस्टम थ्रू विच एक्सक्रीशन इज डन इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। वो सिस्टम जिसके थ्रू एक्सक्रीशन होती है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ किडनीज, जिसमें एक पेयर किडनी का होता है, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर टू यूरेटर, जिसके अंदर फिर टू यूरेटर्स आ जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है, एक यूरेथ्रा आ जाता है। रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद फूड मॉलिक्यूल्स। रिस्पायरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करके फूड मॉलिक्यूल्स के साथ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को वेस्ट प्रोडक्ट्स के थ्रू बाहर निकाल देता है। बिकॉज दे आर नॉट रिटेन इन द बॉडी, उनकी बॉडी में ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो एक्स्ट्रा मटेरियल बनकर आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। दीज आर द लाइक वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। देयर इज क्वेश्चन नंबर 4। राइट अ नोट ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। सॉरी, किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो तीन डिवाइड इनटू थ्री रीजन्स, तीन रीजन्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है रीनल कॉर्टेक्स, इट इज़ द आउटर मोस्ट रीजन। फिर है रीनल मेड्यूला, मिडिल रीजन विच इज़ डिवाइडेड इनटू कॉनिकल मैसेस कॉल्ड रीनल पायरामिड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज रीनल पेल्विस, ये इनर मोस्ट एरिया होता है और यहाँ पे यूरिन आके ड्रेन होता रहता है, यूरिन आपके जमा होता है, तो फिर रीनल पेल्विस से तो यूरिन होता है ना, वो यूरेटर के अंदर चला जाता है, यूरेटर से वो यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। सो दिस इज द थ्री इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। नेक्स्ट पे आज इन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने कहा है कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपने बताना है, जिसके अंदर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में दो चीज़ें आ जाती हैं, दो पार्ट्स आ जाते हैं, दैट इज़ रेनल कॉप्सल और रीनल ट्यूब्यूल। अब रेनल कॉप्सल दो स्ट्रक्चर्स में कंसिस्ट होता है, जिसमें एक है ग्लोमेरुलस, जो कि हमने बहुत डिटेल से ये चीज़ पढ़ी हुई है कि ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसके अंदर मौजूद, जो कि वेन्स, जिसके जो स्मॉल आर्टरीज और वेन्स में डिवाइड होती हैं। और बाउमेंस कैप्सूल कप शेप स्ट्रक्चर होता है, जो कि ग्लोमेरुलस के अंदर से जो यूरिन जाता है बाउमेंस कैप्सूल के अंदर, वो वहाँ से उसके अंदर के वेस्ट मटेरियल्स निकाल के साइड पे कर देता है, यूरिन को आगे पहुँचा देता है। रीनल ट्यूब्यूल की बात करें तो बाउमेंस कैप्सूल से जो रीनल ट्यूब्यूल है ना वो स्टार्ट होता है। इसके फोर पार्ट्स उन्होंने बता दिए हैं। फोर पार्ट्स अब कौन कौन से हैं। पहला है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ये फर्स्ट कॉइल्ड पार्ट होता है। इसके बाद आता है यू शेप्ड लूप ऑफ फेनल। यू शेप्ड लूप ऑफ फेनल से यूरिन होता हुआ कॉइल्ड से डिस्टल ट्यूब्यूल होती है बाद में। प्रॉक्सिमल पहली, डिस्टल बाद की, बाद की ट्यूब होती है, वहाँ से निकल जाता है। तो डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन द कलेक्टिंग डक्ट, जो कि वहाँ से निकल के वो कलेक्टिंग डक्ट्स में चले जाते हैं, और कलेक्टिंग डक्ट से जो यूरिन होता है ना वो ड्रेन होकर आगे रीनल पेल्विस की तरफ चला जाता है। ठीक है जी, तो दिस इज़ ऑल आवर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, किस तरीके से यूरिन जो है वो बनता है और किस तरीके से वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, ये सारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है जी, आज हमने जो करने हैं ना वो थ्री क्वेश्चंस करने हैं। एक हमने करना है डिस्क्राइब द मेन पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन मैन। सेकेंड क्वेश्चन आपने करना है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। एंड द थर्ड क्वेश्चन जो आपने करना है वो है राइट अ नोट ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज। आप सबके पास ये बुक नोट्स मौजूद हैं, पेज नंबर 26 और 27 पे ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, ये आपने कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये दो डायग्राम्स आपको नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली आपके बुक में भी मौजूद हैं, आपके नोट्स में भी आपको दे दी गई हैं। आपने इनको लेबल करना है कि इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं, इन दोनों को क्या कहते हैं। बुक में चूंकि मैं आपको करवा चुकी हूँ तो एट्थ क्लास आपने अपने नोट्स में ये खुद ही कर लेना है। एंड रिमेंबर वन थिंग, यू आर अ वेरी बिग क्लास नाउ, यू आर बिग स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू डू इट विद योर पेन, या आप अपने पेन से कर सकते हैं। ठीक है, लाइन लगाए यहाँ पर और लाइन के ऊपर वो लिख दें, इट लुक्स क्यूट एंड अमेजिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हवाओं में आपने लिखते चले जाना है, आपकी राइटिंग आगे पीछे हो सकती है। सो आपने एक प्यारी सी लाइन लगानी है, लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर आप लिख दें। ठीक है जी, एट्थ क्लास मैंने आपको आज का काम बता दिया है, आप लोगों ने तीन क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। मैं आपको स्टार्ट करने का तरीकेकार बता देती हूँ। सो ऑल ऑफ यू हैव टू पिक अप योर कॉपीज एंड पेन्स इन योर हैंड्स। नाउ लेट्स वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेट, सो टुडे द डेट इज जुलाई 15, 2020, एंड एट द मिड ऑफ द पेज वी आर गोइंग टू राइट हियर द क्लास वर्क, एंड एट द राइट कॉर्नर ऑफ द पेज वी आर गोइंग टू राइट हियर द डे, दैट इज
वेडनेसडे। इन आवर स्टार्टिंग वी आर गोइंग टू राइट हियर द टॉपिक एंड आवर टॉपिक इज क्वेश्चन आंसर्स। Like this. So the question is, you are going to write from the notes, describe the main parts of excretory system in men. Question number 3. Describe the main parts of excretory system in men. Human beings में excretory system के main parts आपने बताने हैं। So यहाँ पर आप heading दे सकते हैं सबसे पहले excretory system की, क्योंकि हमने सबसे पहले उसकी definition लिखनी है। बहुत ही neat and clean heading आपने देनी है। And remember one thing, it class your writing would be very very amazing. Okay, this system, sorry, like here, the system through which excretion is done is called excretory system. The system through which excretion is done is called excretory system. Okay, next is parts of excretory system. Excretory system के parts के बारे में बात करनी है। It consists of one पेयर ऑफ किडनीज, एक किडनी का पेयर होता है, एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स दैट इज टू यूरेटर्स, अ urinary bladder, BLADDER bladder, and a urethra. ठीक है जी। इसके बाद होता क्या है, वर्किंग बतानी है, सबसे पहले क्या होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। लाइक रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स reaction of oxygen with food molecules. Carbon dioxide and extra water are waste products क्यों बन जाते हैं, because they are not needed by the body, क्योंकि body को उनकी ज़रूरत नहीं होती।
बाय द बॉडी. ओके, दीज एक्स्ट्रा मटेरियल्स आर रिमूव्ड बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम. Materials removed by the body. Again, एक दफ़ा recall करवा देती हूँ आपको. Excretory system, the system through which excretion is done is called excretory system. ठीक है जी, parts of excretory system कौन कौन से parts होते हैं? Consist of one pair of kidneys and associated structures, that is two ureters, urinary bladder and a urethra. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि दो किडनीज होती हैं, उनके साथ एक ट्यूब नीचे आ रही होती है जिसको दो यूरेटर्स कहते हैं, और वो ट्यूब आके मिलती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरेथ्रा में चला जाता है. आप लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल इसके सामने ये डायग्राम बनानी है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की आपको यहाँ पर दिखाई गई है. दिस इज़ ये जो डायग्राम बनी हुई है, ये आपने डायग्राम यहाँ पे बनानी है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ताकि एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी होते चल जाए. ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू आवर क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर इज राइट अ नोट ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज. क्वेश्चन नंबर फोर, write a note on internal structure of kidneys. किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपने बताना है. यहाँ पे आप हेडिंग भी दे सकते हैं, दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. वन मोर थिंग, एट्थ क्लास हेडिंग देना अपना तरीक़ेकार बना लें, क्योंकि आगे जब आप नाइन्थ क्लास में जाना है तो वहाँ पे आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो आपको उनमें हेडिंग्स देना ज़रूरी होता है. हेडिंग्स से मार्क्स आते हैं. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट एवरी हेडिंग ऑफ द लेसन. ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं उसकी हेडिंग देना आपको आना चाहिए. तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री रीजन्स. The internal structure of kidney is divided into three regions. तीन हिस्सों में डिवाइड होती है. वन इज रीनल कॉर्टेक्स, नंबर वन, सबसे पहला हिस्सा, सबसे बाहरी वाला हिस्सा, जिसको हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं. आपको मैंने बताया था कि रीनल कॉर्टेक्स की जो हमने शेप पढ़ी थी वो बेसिकली ऐसे थी, इस तरह करके थी, जैसे अगर आप एक सेब का टुकड़ा काटें तो सेब का टुकड़ा काटने से जो उसकी गुलाई होती है ना पीछे की, उस गुलाई की तरह की रीनल कॉर्टेक्स की आउटर सर्विस थी. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इट इज़ द आउटर मोस्ट रीजन, outer most region. ठीक है, it is the outer most region. Sorry, let me show you. This is it. You have to see this. Okay, number two हमने बात की है renal medulla की. Renal medulla. जी, renal medulla is the middle region which is divided into conical masses called renal pyramids. ठीक है, it is the middle region which is divided into conical masses called renal pyramids. ठीक है, pyramids जैसे कि pyramid होते हैं इस तरीके के, मैं अगर आपको बताऊँ तो ये ऐसे होते हैं, इस तरह के बने होते हैं.
ट्राइंगल शेप के ना, जैसे पायरामिड्स अक्सर आपने पढ़ा हो, देखे होते हैं, ममीज पायरामिड्स भी होते हैं, तो ये ट्राइंगल शेप होती है, उस तरह के पायरामिड्स जो है ना वो वहाँ पे रीनल मेड्यूला के अंदर बने होते हैं, जिनको रीनल पायरामिड्स कहते हैं। ठीक है, अगली बात आ जाती है रीनल पेल्विस की। रीनल पेल्विस इज इनर एरिया, इट इज the inner area where क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, urine is drained, जहाँ पे urine आकर drained हो जाता है, रुक जाता है, जमा हो जाता है। the urine from renal pelvis moves into ureter। यहां से ये कहां पे चला जाता है, ureter के अंदर। ठीक है जी, अब आपने इनकी भी यहाँ पे डायग्राम बनानी है इसके बिल्कुल सामने, और वो डायग्राम जो है वो आपकी बुक पे बनी हुई है। लेट मी शो यू द डायग्राम दैट इज हेयर ऑन पेज नंबर सेकेंड, पेज नंबर 9, हेयर इट इज़, दिस इज़ द डायग्राम। ये डायग्राम आपने यहाँ पे बनानी है, पेज नंबर 9 पे डायग्राम मौजूद है। मैं आपको यहाँ पे आपकी कॉपी पे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, और आपने इनकी इसके बिल्कुल सामने पेज नंबर 9 पे जो डायग्राम है वो आपने यहाँ पे बना लेनी है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट आवर, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में आपने बताना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर की डायग्राम जो कि ये बनी हुई है आपको पेज नंबर 10 पे नज़र आ रही है, ये डायग्राम आपने बनानी है। ये पेज नंबर 10 पर जो डायग्राम है, बेसिकली ये वाली डायग्राम आपने अपनी कॉपीज पर इस क्वेश्चन के बिल्कुल सामने बना देनी है। ठीक है जी, एट्थ क्लास, क्योंकि डायग्राम बनाने का आपको तरीक़ेकार आना चाहिए। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने नेक्स्ट क्लास 9th क्लास पे जाना है, और वहाँ पर अगर तो हेडिंग इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट, सो डायग्राम इज़ ऑल्सो सो मच इम्पॉर्टेंट। अगर आपने कुछ लिखा है तो उसके साथ आप डायग्राम ज़रूर बनाने, इट टेक्स मार्क्स लेते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है जी, 3 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डन। आज हमने 3 क्वेश्चंस अपने कर लिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये तीनों सवाल कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और याद भी कर लीजिएगा। जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट विद एनी वन एल्स, दूसरे स्टूडेंट के साथ भी डिस्कशन करेंगे। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो भी हम करवा देंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस, यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर और ऑन द कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब। ओके जी, तब तक के नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।